बैठिए, बिकॉज आज आपको पूरा लिखना है, यू हैव टू सॉल्व एवरीथिंग। Okay, chalo, let us start. We have already seen 15 puzzle with branch and bound. Yes, everyone. याद है हमने उसमें less of I use किया था बेटा, पता करने को कि हमारे पास solution reachable है या नहीं। मैंने कहा था अगर even है तो ही solution reachable है, अगर odd है तो solution reachable नहीं है। Less of I plus X. Can you recall it? Yes, sir. Okay. So today, let me share the screen. Today we will be talking about traveling salesman problem. हमने traveling salesman dynamic programming से किया था. Now we will be solving traveling salesman problem using branch and bound. हमने कहा branch and bound. We will branch out the number of possible solution and we will subject it to some boundary depending upon, जैसे हमने कहा हमारे पास तीन solution थे. I can use FIFO to decide कि मैं next कौन सा जाऊं. I can use LIFO to decide मैं next कौन सा जाऊं. और आई कैन यूज लीस्ट कॉस्ट टू डिसाइड मैं नेक्स्ट कौन सा जाऊं. हमने कौन सा यूज किया था बेटा, लीस्ट कॉस्ट यूज किया था. इफ यू कैन रिकॉल 15 पजल में हमने लीस्ट कॉस्ट यूज किया था, मतलब वी हैव डिसाइडेड टू गो अहेड विद द केस दैट विल हैव मिनिमम नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स. यस ऑर नो? यस सर. ओके. So in traveling salesman problem, the approach that we will go ahead with is we will find a better estimated cost function. I wish to find a better estimated cost function using, there is something called as reduced cost matrix. Yes. There is a concept here used as reduced cost matrix. Now, what is reduced cost matrix? देखो, matrix में दो चीजें होंगी, rows and columns. So हम बोलेंगे पहले हमको row reduce करना है. We have to reduce rows and columns both. A row of matrix is said to be reduced if it contains at least one zero. अगर आपके मैट्रिक्स के रो में
अगर आपके मैट्रिक्स के रो में एक जीरो है तो हम बोलेंगे रो एटलीस्ट वन जीरो, एक से ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा, कम से कम एक होना चाहिए, तो हम बोलेंगे द रो इज रिड्यूस्ड एंड जो रिमेनिंग है एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, जीरो नहीं हुआ तो भी चलेगा, एटलीस्ट एक जीरो होना चाहिए. एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ माई रो ऑफ अ मैट्रिक्स हैज 10 to 7 इन्फिनिटी, समझो रो ऑफ अ मैट्रिक्स कंटेन्स 10 to 7 इन्फिनिटी, टेल मी इज दिस रो अ रिड्यूस्ड रो बेटा? नो सर, बट आई हैव टू रिड्यूस इट, दिस इज नॉट अ रिड्यूस्ड रो, बिकॉज मैंने कहा रो रिड्यूस होने के लिए कम से कम एक क्या चाहिए, जीरो चाहिए, एक भी जीरो नहीं है, मुझे इस रो को रिड्यूस करना है ना. टू रिड्यूस द रो रो रिड्यूस करना है, मतलब कोई तो एक वैल्यू जीरो चाहिए, तो बेटा आप ऐसे वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करो, आप ऐसे वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करो जो आपको सबसे कम में जीरो दे दे. तो बताइए अगर मैं एक सेकेंड, ओके बेटा अगर मुझे रो रिड्यूस करना है तो बताइए एक तो जीरो चाहिए, तो मिनिमम किससे सब्सट्रैक्ट करूँ, टू, अगर मैं टू सब्सट्रैक्ट करूंगा तो इधर बनेगा 8, इधर बनेगा 0, इधर बनेगा 5, ये तो इन्फिनिटी ही रहेगा. तो दिस रो इज कन्वर्टेड टू दिस रो, सब्सटीट्यूटेड बाई सब्सट्रैक्टिंग जस्ट टू, सो नाउ वी विल से इट इज अ रिड्यूस्ड रो. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, yes. Similarly, column can also be reduced. Correct? हम बोलेंगे एक नोट है, a matrix is said to be reduced if all rows and all columns are reduced. अगर उस मैट्रिक्स का हर रो रिड्यूस हो गया है, हर कॉलम रिड्यूस हो गया है, तो हम कहेंगे वो पूरा मैट्रिक्स रिड्यूस हो गया. इतना समझा बेटा? Yes, sir. Okay. अभी ये तुमको नोट करने की जरूरत नहीं, जो तुमको नोट करने की जरूरत है मैं बताऊंगा. Now हमारा यहाँ पे ध्यान क्या है, टू फाइंड, हमारा को क्या फाइंड करना है, सी कैप एन फाइंड करना है. व्हाट इज सी कैप एन? इट इज कॉस्ट टू रीच, याद है ट्रैवलिंग सेल्समैन में हमने देखा था कि हमको हमको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो कॉस्ट टू रीच डेस्टिनेशन, लेकिन कहाँ से पहुंचना है, फ्रॉम करंट नोड वन, सॉरी करंट नोड एन, cost to reach destination from node n. तो अगर मैंने c cap 1 लिखा, इसका मतलब cost to reach destination from
नोड वन सी कैप टू लिखा, कॉस्ट टू रीच डेस्टिनेशन फ्रॉम नोड टू सी कैप थ्री लिखा, कॉस्ट टू रीच डेस्टिनेशन फ्रॉम नोड थ्री, समझ में आ रहा है? समझ में आया? फ्रॉम करंट नोड एन. नाउ इसके फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं आपके पास. अगर हमको सी कैप एन फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. वो स्टेप्स कैसे हैं बेटा? सबसे पहले स्टेप वन, सेट ऑल एलिमेंट ऑफ आयत्थ रो एंड jth column to infinity. I number row को, सर इधर I क्या है बताऊंगा तुमको, j number column को, I number row को, j number column को infinity set करना है. Step 2, set a of j1 को infinity set करना है. Step 3, reduce all rows and column of resultant matrix except now. अब ठीक है, पहले आप इधर रखते हैं, rows and column of resultant matrix. Step 4, calculate or compute the total reduction value. अब ये कैसे calculate करेंगे? C cap S. S मतलब मेरे को destination node पे node S से जाना है. Destination node पे node S से जाना है. इसका answer होगा C cap R plus A of IJ plus R. यहां सी कैप एस और आर का रिलेशन क्या है बेटा? एस विल बी चाइल्ड ऑफ आर. इसका मतलब फ्रॉम आर टू एस आप मूव कर रहे हो. जब आप आर से एस मूव करोगे तो आर पेरेंट होगा, एस चाइल्ड होगा. ए ऑफ आई जे क्या है? इट इज कॉस्ट ऑफ एच आई कॉमा जे. आर क्या है? अपना करंट नोड. ये स्मॉल आर क्या है? टोटल रिडक्शन वैल्यू. डोंट वरी, तुमको ऐसा लग रहा है क्या लिख रहे हैं हम, जब हम सॉल्व करेंगे बेटा क्लियर हो जाएगा. ये हमारा टोटल रिडक्शन वैल्यू है. टोटल मतलब रो रिडक्शन वैल्यू प्लस कॉलम रिडक्शन वैल्यू. ठीक है ना? प्लीज राइट दिस, प्लीज राइट, यहां से यहां तक लिखो, ये हमको फाइंड करना है. प्लीज राइट दिस. स्टेप नंबर थ्री इनकम्प्लीट है क्या? हाँ बेटा, स्टेप नंबर थ्री, हाँ यहाँ पे कुछ लिखना है, वो मैं बाद में बताऊंगा. अभी बोलूंगा तो कुछ समझेगा नहीं. मैं ऐसे डैश मार के रखा हूँ, आप भी डैश मार के रखो. वी विल कंप्लीट इट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. ठीक है? ओके सर.
ठीक है अबे मतलब आई कैन कंप्लीट इट, आप लिख दो एक्सेप्ट द रो. And column containing infinity. कोई दिक्कत नहीं, चलो. ठीक है, हमें C cap n निकालना है. C cap n क्या है? Cost of reaching the destination from current node n. मैं ith row jth column को infinity बोलूंगा. पहला step one, ये आपके पास बुक में बाजू में लिखा हुआ होना चाहिए क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे काम में आएगा. ith रो jth कॉलम को इन्फिनिटी सेट करेंगे, सारे एलिमेंट j कॉमा 1 को इन्फिनिटी बोलेंगे. रोज और कॉलम को हम रिड्यूस करेंगे एक्सेप्ट द वन दैट कंटेन्स इन्फिनिटी. टोटल रिडक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. s क्या है ये हमारा? चलो s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? s रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा current node h from I to j. और r क्या है? r से आप s में आएंगे, बराबर, from r to current node s. अभी आप इतना लिखिए, जब हम सॉल्व करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा. हो गया बेटा? सी वी आर मूविंग फ्रॉम आर टू एस. ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? ओके, लेट अस सॉल्व एग्जांपल. लेट अस सॉल्व एग्जांपल नाउ. कंसीडर, ये दिसंबर 14 में एक बार पूछा जा चुका है. मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद वाले आप सॉल्व कर सकते हैं. ये आ गया तो आपको सब हो गया. कंसीडर, ये सबसे डिफिकल्ट वाला था इसलिए मैं वही ले रहा हूँ, थोड़ा लेंथी है. मेरे पास मेरे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में चार नोड हैं, इन्फिनिटी 10 15 20. इन्फिनिटी मैंने ट्रैवलिंग सेल्समैन में क्या बोला था? इन्फिनिटी मतलब देर इज नो एज, करेक्ट? 5 इन्फिनिटी 9 10 6 13 इन्फिनिटी 12 8 8 9 इन्फिनिटी. मेरे को बोला है सॉल्व टीएसपी यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड. प्लीज ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम सॉल्व करना चालू करते हैं. आई वांट यू टू पार्टिसिपेट इन एवरी स्टेप बिकॉज बहुत मिस्टेक कर देते हैं नहीं तो बच्चे लोग. प्लीज लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिख लीजिए. ब्रांच एंड बाउंड मतलब वी हैव टू क्रिएट स्टेट स्पेस सर्च ट्री. याद है हमने 15 पजल में ट्री बना था बेटा? फ्रॉम ए हम बी सी डी जा सकते हैं. यस, ये हो गया आपका क्वेश्चन लिख के हो गया. कैन वी गो एट विद द सॉल्यूशन नाउ? चलो लेट अस सॉल्व. लेट अस सॉल्व. प्लीज ध्यान देखिएगा, मिस्टेक नहीं करना. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो है बेटा ये कॉस्ट मैट्रिक्स है. तो वी विल फर्स्ट कैलकुलेट गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स. मेरा गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स क्या है? इन्फिनिटी 10 15 20 5 infinity 9 10 6 30 infinity 12 8 8 9 infinity. ये मेरा cost matrix है. अब हमें क्या find करना है? To find C cap 1. C cap 1 का मतलब cost to reach destination node. From which node? From which node? 1. Cost to reach destination node
from node 1. Now, अब नोड वन पे कहीं से और से नहीं आ रहे ना बेटा, नोड वन मेरा स्टार्टिंग नोड है, तो मैं इस अगर मैं इसका ट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसको ट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये मेरा नोड वन है, अभी मैं वन से कहीं पे नहीं आया हूं, तो इसमें आर कोई है ही नहीं, इसमें करंट नोड एस डायरेक्ट वन ही है ना बेटा, मैं नॉर्मली आर से एस पे जाऊंगा, बट यहाँ पे कोई आर है ही नहीं, ये करंट नोड ही है बेटा. क्लियर? यस सर. तो मैं सी कैप वन के लिए डायरेक्ट रिडक्शन में जाऊंगा. देखो हमको सबसे पहला स्टेप क्या बोला है, सेट ऑल एलिमेंट ऑफ आईथ रो जेथ कॉलम टू इंफिनिटी. यहां करने की जरूरत ही नहीं है, जे कॉमा वन इंफिनिटी यहां सेट. अब देखो यहां सेट, यहां क्योंकि मैं कहीं से कहीं जा ही नहीं रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग फ्रॉम आई टू जे, आई एम डायरेक्टली फ्रॉम वन ओनली राइट नाउ. तो मेरा पहला दो स्टेप पेंडिंग रह गया बेटा, इग्नोर फर्स्ट टू स्टेप. नाउ आई एम डायरेक्टली गोइंग टू स्टेप नंबर थ्री, वी हैव टू गो फॉर रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन, यस और नो? यस सर. चलो डोंट वरी, यू विल इट विल आई मीन यू विल अंडरस्टैंड. तो चलो लेट अस गो फॉर रो रिडक्शन. तो अब बताइए फॉर रो रिडक्शन, let us go for row reduction. Chalo. We have infinity 10, 15, 20, 5, infinity 9, 10, 6, 13, infinity 12, 8, 8, 9, infinity. Row reduction karna. Is row mein se kitna delete karenge ki koi ek zero mil jaye? कोई तो एक जीरो होना चाहिए ना बेटा रो रिडक्शन में. कितना डिलीट करे कि कोई एक जीरो मिल जाए हमको, बताइए. 10 मिनिमम, इसमें से 5, इसमें से 6, इसमें से 8. क्लियर? सो टोटल रो कितना रिड्यूस कर रहे हैं हम, 29. Yes or no? Yes. तो total row reduction. ये क्यों हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा, पहले खाली आप step पे ध्यान दीजिए. Total row reduction करने के बाद क्या मिला बेटा, infinity 0, 5, 10, क्योंकि first row में से हमने 10 uniformly subtract किया, next row में से 5 subtract करेंगे, 0, infinity, 4, and 5, then 6 na, 0, 7, infinity 6, then 8, 0, 0, 1, infinity. Clear ho gaya row reduction ke baad matrix kaise mila aapko? Now, yes, now we will go for what? Column reduction. Chalo, is column mein already 0 hai, toh isme reduction ki zarurat nahi hai. इस कॉलम में भी एक जीरो होना चाहिए, रिडक्शन की जरूरत नहीं. इस कॉलम में एक भी जीरो है क्या बेटा? तो कितना वन रिड्यूस करेंगे तो एक जीरो मिल जाएगा. यस सर. इस कॉलम में 5. हाँ. तो टोटल कॉलम रिडक्शन क्या है, टोटल कॉलम रिडक्शन इज 6, एंड व्हाट यू गेट आफ्टर बाय after this column reduction, what you get is infinity 0, 0, 0, 0, infinity 0, 0, 1 na, 4, 3, infinity 0, 5 na, so 5, 0, 1, infinity. Ye aapka resultant matrix hai. Sir, wo second column mein na infinity ke baad 7 hai. Kahan beta? Second column mein. अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे ना सॉरी कोई रिडक्शन नहीं था क्योंकि इट वाज ऑलरेडी कंटेनिंग अ जीरो,
सो देर वॉज नो नीड फॉर रिडक्शन, बट यस हमने ये 7 रहेगा. सो दिस इज वॉट यू गेट. अग्रीड. नाउ वॉट इज टोटल रिडक्शन? +6, 35 is the total reduction. Yes or no? Yes, sir. चलो इतना लिखो पहले, इतना लिखो. चलो प्लीज. सी हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, सिंस द टूर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, सो हियर देर इज नो आर. बराबर ना? बिकॉज नॉर्मली आर से एस में जाते हैं, यहाँ पे कोई आर है ही नहीं, तो ये मेरा एस ही हो गया ना बेटा डायरेक्ट. हमको सी कैप एस निकालना रहता है, मालूम है ना? सी मैंने फॉर्मल में क्या बोला, सी कैप एस निकालना रहता है. एस पे कहां से जाते हैं? आर से. कोई आर है नहीं, इसलिए ये आर पिक्चर में ही नहीं है बेटा. समझ में आ रहा है? तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिड्यूस मेथड विद गो फॉर डायरेक्ट. हम रिडक्शन को डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट रिडक्शन, बिकॉज यही सोर्स है. यहां पर हम पहले से नहीं आए कहीं. Please, please go ahead.
स्क्रोल या इतना ध्यान रखे हमको रो रिड्यूस करना है, रो रिडक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से कॉलम रिड्यूस करना है, दोनों का टोटल निकालना है। रो और कॉलम रिडक्शन के बाद हमको एक मैट्रिक्स मिलेगा, टोटल रिडक्शन क्या है वो हमने कैलकुलेट किया बस। धन बेटा यस सर ना, अभी हमने सिर्फ ये कैलकुलेट किया है सी कैप वन ना, ना वी विल गो विथ सी कैप टू ना, लेट्स सी and we will again discuss how we visualize this c cap 2 kya hoga, we need to find c cap 2 which is cost of teaching destination node from, agar maine kaha ki main node 2 se destination pe jana chahta hu to mera fixed node kya hai beta 1, अगर मैं नोड 2 से डेस्टिनेशन पे जाना चाहता हूं तो 1 से कहां जाना पड़ेगा मुझे, आई हैव टू गो फ्रॉम 1 टू 2 राइट नाउ। देखो कैसा होगा, मैं 1 पे हूं, मैं 1 से मैंने क्या बोला, आई वांट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ रीचिंग डेस्टिनेशन नोड फ्रॉम 2, इसका मतलब मैं 1 से 2, 2 से आगे का रास्ता ढूंढूंगा, देन 1 से 3, 3 से आगे का रास्ता, then 1 से 4, 4 से आगे का रास्ता। Can you understand this? Yes, sir. So, if I am decided that I want to go from node 2, I have to see I and J. So, I have to go from 1 to 2 first. अगर मैं node 2 से destination का cost ढूंढ रहा हूँ, तो इतना पक्का है मैं 1 जो कि मेरा starting node था, वहाँ से मैं node 2 पे जा रहा हूँ। Clear? Now, अब देखो, now, आपका initial node 1 था, तो C-cap 1, तो मैंने क्या लिखा, in C-cap 1, क्या बोला है आपको मैंने, step क्या बोला था, अब यहाँ पे 2 starting नहीं है बेटा, 2 is not starting, 2 पे हम कहीं से आ रहे हैं, 2 पे कहाँ से आ रहे हैं हम, 1 से, तो I-1 हो गया, J-2 हो गया, clear? Clear? अरे बोलो भाई। Yes sir। तो मैंने क्या बोला, सेट ऑल एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम टू इनफिनिटी। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा, इन सी कैप 1 सेट ith रो, ith रो मतलब फर्स्ट रो, दिस इज i, उसको क्या बोल दूंगा मैं,
इन्फिनिटी एंड सेट सेकेंड, सेकेंड मतलब jth कॉलम टू, ये मैं कर दूंगा क्योंकि मैं वन से टू पे आ रहा हूँ. अच्छा और क्या करूँगा मैं, जे वन को इन्फिनिटी बोल दूंगा, सेट ए ऑफ जे वन टू इन्फिनिटी, वॉट इज जे टू, देयर फॉर ए ऑफ टू वन को क्या बोलूंगा, इन्फिनिटी बोल दूंगा. ये करने के बाद अब मैं रो रिडक्शन को जाऊंगा, विच इज माई स्टेप नंबर थ्री, एंड आई विल गो फॉर कॉलम रिडक्शन. यस और नो? इन्फिनिटी का एक बार बताइए ना. क्या बोला बेटा, आई सी मैं इस समय कौन से, मेरे को क्या पता करना है, सी कैप टू. सी कैप टू मतलब कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग और रीचिंग द डेस्टिनेशन नोड फ्रॉम विच नोड, नोड नंबर टू. यस और नो? यस. अच्छा टू पे पहली बार जब मैं वन पे था ना बेटा, वन से मैंने स्टार्ट किया था, वन पे मैं कहीं से नहीं आया था, इसलिए वो आई जे वाला हमको वहां पिक्चर में नहीं था, हम डायरेक्टली रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन को जा रहे थे. नाउ व्हेन आई एम एट नोड नंबर टू, इफ आई वांट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेस्टिनेशन फ्रॉम नोड नंबर टू, मीन्स व्हाट, मीन्स आई हैव टू गो फ्रॉम नोड नंबर वन टू टू. मतलब टू डेस्टिनेशन है क्या? नहीं बेटा, मैंने क्या बोला, सी कैप टू मतलब क्या, डेस्टिनेशन तक का रास्ता टू से कितना होगा, तो अगर टू से कितना होगा इसका मतलब टू पे जाना पड़ेगा ना बेटा. हाँ हाँ. इसका मतलब वन से मैं टू पे जा रहा हूं, तो मैं ऐसा निकालूंगा. सुनो मेरा सोच क्या है, टू से डेस्टिनेशन का रास्ता कितना है वो निकालूं, थ्री से डेस्टिनेशन का रास्ता कितना है वो निकालूं, फोर से डेस्टिनेशन का रास्ता कितना है वो निकालूं, और फिर उनमें जो मिनिमम होगा वो मेरा अच्छा होगा. अगर टू से डेस्टिनेशन सबसे सस्ता है तो मैं वन से टू जाऊंगा, टू से डेस्टिनेशन जाऊंगा, थ्री से डेस्टिनेशन सस्ता है तो मैं वन से थ्री जाऊंगा, थ्री से डेस्टिनेशन जाऊंगा, फोर से डेस्टिनेशन सस्ता है तो मैं वन से फोर जाऊंगा, फोर से डेस्टिनेशन जाऊंगा. बेटा मेरे पास चार नोड है, वन टू थ्री फोर, स्टार्टिंग वन है, देन फ्रॉम वन आई हैव टू गो टू समवेयर ना. यस सर. तो सी कैप वन क्या बोलता है, वन तक का कॉस्ट, वन को रो रिडक्शन करेंगे कॉलम रिडक्शन करेंगे वो मिल गया है. अब आपको या तो वन से टू पे जाओ या तो थ्री या तो फोर. तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, पहले मैं एक काम करूंगा, टू से डेस्टिनेशन का रास्ता निकाल लूंगा, फिर थ्री से, फिर फोर से. बेटा अगर मैं टू से डेस्टिनेशन का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं मतलब इतना तो पक्का है, आई मे हैव मूव्ड फ्रॉम वन टू टू ओनली. So in yes. that case, my I will be 1 and J will be 2. Agreed? तो ith row और jth column को infinity कर दो, J, 1 को infinity कर दो. तो देखो जरा C cap 1 में, यानी पुराने में, in C cap 1, ith row यानी first row को infinity कर दो, jth column यानी second column को infinity कर दो. तो अब देखो जरा, ये सी कैप वन है, फर्स्ट रो इन्फिनिटी, सेकेंड कॉलम इन्फिनिटी कर दिया मैंने, और जे वन को इन्फिनिटी कर दो, जे इज व्हाट, टू, टू वन को इन्फिनिटी कर दो, ये टू है ना, इतना पार्ट समझा कि नहीं? Yes, sir, समझा. फर्स्ट रो इन्फिनिटी, सेकेंड कॉलम इन्फिनिटी, टू वन इन्फिनिटी. अब ए में जो भी बाकी है कॉपी पेस्ट कर दो, क्या बचा, फर्स्ट कॉलम में जीरो जीरो बचा, सेकेंड कॉलम छोड़ दो, थर्ड कॉलम में क्या बचा, थ्री इन्फिनिटी जीरो. अरे समझ रहा है कि नहीं? यस सर. तो थर्ड कॉलम में क्या बचा और, थ्री इन्फिनिटी जीरो, फोर्थ कॉलम में क्या बचा, जीरो वन इन्फिनिटी, ये बचा. तो सी कैप वन में मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को इन्फिनिटी बोला, सेकेंड कॉलम को इन्फिनिटी बोल दिया, और जे वन को इन्फिनिटी बोल दिया. क्लियर? यस सर.
तो नाउ वी गॉट दिस मैट्रिक्स विच वी कैन सी नाउ. यस यस सर. नाउ वी विल गो फॉर रो एंड कॉलम रिडक्शन बेटा. नाउ रो रिडक्शन. चलो रो रिडक्शन इन्फिनिटी वाले में नहीं करेंगे. यहाँ पे सारे इन्फिनिटी कुछ नहीं कर सकते. अब समझे वो अल्को का मतलब क्या था. रिड्यूस ऑल रो एंड कॉलम ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक्सेप्ट द रो एंड कॉलम कंटेनिंग इन्फिनिटी. जिस रो में सारे इन्फिनिटी आप उसमें रिड्यूस कर ही नहीं सकते तो यहाँ पे जीरो रिडक्शन है. यस सर. यहाँ पे ऑलरेडी एक जीरो है ही है तो जीरो रिडक्शन है. यहाँ पे एक जीरो है ही है जीरो रिडक्शन. यहाँ पे एक जीरो है ही है जीरो रिडक्शन. टोटल रो रिडक्शन जीरो. सर हाँ. एक जीरो है ही है ना बेटा. मैं समझ गया आपका डाउट. कोई इसके लिए मैं थ्री बोलने वाली थी. हाँ मालूम है मैं डाउट समझ गया ना इसलिए मैंने बोला. टोटल रो रिडक्शन जीरो बेटा. तो यानी मेरे को मैट्रिक्स में कोई चेंज होने वाला रो वाइज नहीं है. करेक्ट. आप चल कॉलम रिडक्शन देख लो इसी में. इसमें एक जीरो है तो नो कॉलम रिडक्शन. सारे इन्फिनिटी है तो नो कॉलम रिडक्शन. एक जीरो है नो कॉलम रिडक्शन. एक जीरो है नो कॉलम रिडक्शन तो जीरो कॉलम रिडक्शन. नहीं समझा. यस सर. टोटल कॉलम रिडक्शन इज जीरो. इज दिस तो टोटल वैल्यू ऑफ आर इज व्हाट इज स्मॉल आर. टोटल रिडक्शन वैल्यू रो एंड कॉलम. यस और नो. यस सर. व्हाट इज ए ऑफ आई जे कॉस्ट ऑफ एज आई टू जे. तो यहाँ पे ए ऑफ आई जे आर इज जीरो. व्हाट इज ए ऑफ आई जे. I is 1, J is 2. So it is cost of H 1 से 2. H का cost कितना है 1 से 2 में. C1 में ना ये C cap 1 है ना. अब देखिए original matrix में जाए. यहाँ पे आपको 10 दिख रहा है वो नहीं लेना है. सी कैप वन में. सी कैप वन में बच्चे मिस्टेक करते हैं. सी कैप वन में वन से टू कितना दिख रहा है. जीरो. जीरो. इन सी कैप वन कॉस्ट वन से टू इज जीरो. सो ए ऑफ वन टू इज जीरो. सो नाउ व्हाट इज माय फॉर्मूला. सी कैप टू दिस इज सी कैप एस. टू पे कहां से आ रहे हैं. वन. तो देखो ना C cap S is C cap R. समझ में आया. प्लस A of I J प्लस R. प्लीज नोटिस कीजिए फॉर्मूला. C cap S कहाँ पे आए. S पे आए. 2 पे आए. कहाँ से आए. R से आए. ठीक है. R से S जाने का कॉस्ट कितना है I J. R टोटल रिडक्शन रो एंड कॉलम. सो सी कैप वन. सी कैप वन का टोटल रिडक्शन कितना था. 35 ना. सी इसका कॉस्ट जीरो. सी कैप टू का टोटल रिडक्शन जीरो है. क्या निकला. 35 प्लस 0 प्लस 0. व्हाट इज आंसर. 35. यानी 1 से 2 जाओगे और 2 से आगे जाओगे तो कॉस्ट 0. सो व्हाट इज सी कैप 2. कॉस्ट फ्रॉम 2 टू डेस्टिनेशन इज 35. कॉस्ट फ्रॉम 2 सी कैप 2. कॉस्ट फ्रॉम 2 टू डेस्टिनेशन इज 35. क्लियर और नॉट. हेलो. Yes, sir, clear. चलो लिखो जरा ये वाला स्टेप टू पूरा लिखो आप.
सर रोल ओके बेटा ना अभी हमने क्या निकाला, अगर हम टू से डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो मेरा ₹35 खर्च होगा। अब हमको क्या निकालना है भाई, जब हम टू से डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं इसका मतलब मैं वन से टू, टू से डेस्टिनेशन जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप पे मुझे कहाँ से डेस्टिनेशन का कॉस्ट निकालना है बेटा, कॉस्ट टू रीच फाइनल नोड फ्रॉम नोड थ्री। अगर मैं नोड थ्री से फाइनल नोड पे जा रहा हूं तो मेरा आई और जे क्या होगा, आई क्या होगा वन, जे क्या होगा थ्री। सर व्हाट आई डिसाइडेड इट, वन से टू का कितना, वन से टू, टू से आगे का कितना। अब हम वन से थ्री देख रहे हैं तो अगेन इन सी कैप वन आई एम गोइंग टू मेक चेंजेस इन सी कैप वन ओनली। सी कैप वन में मेक आयत रो, आयत मीन्स व्हाट, फर्स्ट रो को क्या बोलेंगे हम इन्फिनिटी, जेथ कॉलम मतलब थर्ड कॉलम को क्या बोलेंगे, एक मिनट मैंने इधर कुछ गड़बड़ किया क्या, नहीं गड़बड़ नहीं, थर्ड कॉलम को इन्फिनिटी बोलेंगे और हम क्या बोलेंगे जे वन, जे वन को इन्फिनिटी बोलेंगे, जे कॉन थ्री, थ्री वन को इन्फिनिटी बोलेंगे, यस और नो। तो ये था मेरा सी कैप वन, सी कैप वन पहले तो हम ये लिख लेते हैं, देयर फॉर सी कैप थ्री मुझे पता करना है। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो इन्फिनिटी, थर्ड कॉलम इन्फिनिटी, थ्री वन, थ्री वन भी इन्फिनिटी। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो हमको लिखना है। रिमेनिंग वैल्यूज लिखने के लिए सी कैप वन में, सी कैप वन देखेंगे तो इधर क्या आएगा, जीरो आएगा। सी कैप वन आपके हाथ लिखा हुआ है ना बेटा, इधर सेवन आएगा,
यही आएगा, देख लो जरा, बताओ मुझे. इन सीकैप वन यू मेक दीज चेंजेस टू गेट दीज, सही है? यस. नाउ अब हम क्या करेंगे बेटा, वील गो फॉर रो रिडक्शन. रो रिडक्शन, फर्स्ट रो रिड्यूस नहीं होगा, जीरो. सेकंड एक जीरो है, थर्ड में वन, मालूम है ना? यस. फोर्थ में जीरो. सो टोटल रो रिडक्शन इज वन. टोटल रो रिडक्शन इज वन. बट नाउ सिंस देर इज वन यू हैव टू मेक चेंजेस. तो ये इन्फिनिटी 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 जीरो इन्फिनिटी इन्फिनिटी जीरो. ये क्या आएगा बेटा, इन्फिनिटी सिक्स इन्फिनिटी जीरो 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 इन्फिनिटी इन्फिनिटी. नाउ वी हैव टू गो फॉर रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन. फर्स्ट कॉलम जीरो, सेकेंड में भी जीरो, थर्ड में भी जीरो, फोर्थ में भी जीरो. सो टोटल कॉलम रिडक्शन इज जीरो. समझ में आया? सो टोटल रिडक्शन वैल्यू विच इज आर इज वन प्लस जीरो इज वन. नाउ ए ऑफ आई जे, व्हाट इज ए ऑफ आई जे इन सी कैप वन? आई नीड 1,3 का वैल्यू. सी कैप आई इज वन, जे इज थ्री ना. सी कैप वन में 1,3 का वैल्यू क्या है? सी कैप वन में 1,3 का वैल्यू क्या है? जीरो. 1,3. फोर. तो इज फोर. सो देयरफॉर सी कैप थ्री विल बी सी कैप वन का वैल्यू विच इज 35, ए ऑफ आई जे विच इज 4 प्लस आर विच इज 1. क्या वैल्यू आया? 40. मतलब मैं वाया अगर 2 जाऊंगा तो 35 ही रुपीज लग रहा था बेटा, लेकिन मैं 1 से 3, 3 से डेस्टिनेशन जाऊंगा तो 40 रुपीज लग रहा है. इज इट क्लियर? Yes, पहले ये लिखिए, ये वाला स्टेप पूरा कीजिए. चलो स्टेप थ्री फास्ट. इसमें हम लोग 1 से 3 आए, वैसे हम लोग 2 से 3 आके फिर डेस्टिनेशन भी जा सकते हैं ना. ये कैसा होता है मालूम है? सबसे पहले मैं 1 से डिसाइड करूंगा, 1 से 2, 2 से डेस्टिनेशन, 1 से 3, 3 से डेस्टिनेशन, 1 से 4, 4 से डेस्टिनेशन. ये डिसाइड करने के बाद मैं लीस्ट कॉस्ट देखूंगा. लीस्ट कॉस्ट क्या है, अगर समझो मेरा 2 आया, इसका मतलब वन थिंग इज कंफर्म्ड, फ्रॉम 1 आई विल गो टू 2. आई मे गो टू 3, आई मे गो टू 4, आई मे गो टू 2, बट द लीस्ट कॉस्ट इज 2, सो आई गॉन टू 2. नाउ फ्रॉम 1 आई रीच 2, सो फ्रॉम 2 आई एम हैविंग ओनली 2 ऑप्शन टू एक्सप्लोर. आई मे गो टू 3, आई मे गो टू 4. Suppose I selected 4, then from 4 I will go to 3 only. Can you visualize? समझ में आ रहा है बेटा? Yes sir. Okay, चलो लिखो. स्क्रोल
सो अभी तक हमारा सिंगल लेवल पे हॉपिंग का डिसीजन चल रहा है. वन से कहाँ जाऊँ, टू, और टू से क्या कॉस्ट होगा, 35 रुपए. थ्री से क्या कॉस्ट हो रहा है, 40 रुपए. वन से मेरे पास तीन ऑप्शन है ना, या तो टू, या तो थ्री, या तो फोर. ऐसा है बेटा. हो गया बेटा. यस नाउ नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमारा स्टेप सी कैप फोर, मतलब कॉस्ट ऑफ रीचिंग. एक्चुअली ये सारे सिंगल स्टेप पे आने चाहिए, इतने सारे स्टेप मत लिखो, दे ऑल बिलोंग्स टू सेम स्टेप, बिकॉज आई हैव टू टेक डिसीजन इन दिस स्टेप कि मैं थ्री से जाऊं. सो दिस इज ऑल कम अंडर स्टेप टू. हा क्योंकि अब मैं स्टेप टू पे एक डिसीजन लूंगा कि भाई मैं यहां जाने वाला हूं, कॉस्ट ऑफ रीचिंग डेस्टिनेशन फ्रॉम नोड फोर. देन आई हैव टू गो फ्रॉम means what? I have to go from 1 to 4, means in C cap 1, make ith row, yani first row to 1, jth column, yani fourth column, infinity, also J1 मतलब 4, 1 to infinity. तो चलो सबसे पहले मुझे क्या बोला है बेटा, फर्स्ट रो इन्फिनिटी, फोर्थ कॉलम इन्फिनिटी, 4, 1 infinity. सी कैप वन में आ, तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या बचे सी कैप वन में हमारे, हमारे पास सी कैप वन में क्या बचे बेटा पेंडिंग, फर्स्ट रो में क्या बचा, 3, 0, 2, 0 बचे, इधर क्या बचा इन्फिनिटी 7 और 0 बचा, इधर क्या बचा 3 infinity और 0 बचा. यस और नो, यस और नो. नाउ विल गो फॉर व्हाट, विल गो फॉर रो रिडक्शन. कितना, 0, 0, 0, 0, रो रिडक्शन 0. लेट अस गो फॉर कॉलम रिडक्शन, कॉलम 0, 0, एक भी 0 है तो 0, 0, तो कॉलम रिडक्शन 0. टोटल रिडक्शन आर इज 0. नाउ इन सी कैप 1 आई जे का कॉस्ट कितना है, यानी 1 से 4 का कॉस्ट कितना है, सी कैप 1 में 1 से 4 का कॉस्ट कितना है, 5 रुपीज, मतलब 5 है. सो देयरफॉर सी कैप 4 इज सी कैप 1 प्लस ए ऑफ आई जे प्लस आर, व्हाट इज दिस, 35 प्लस
of i j 5 plus r is 0, you get 40. समझा कि नहीं समझा? सी कैप 4 भी 40 है बेटा. यस हेलो. यस सर. ठीक है पहले ये लिखो सी कैप 4, यहां से लिखना चालू करो. हो गया बेटा? सो नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू मेक डिसीजन. हो गया? यस सर. ओके नाउ, सो नाउ हमने 1 से 2 भी निकाल लिया, 3 भी निकाल लिया, 4 भी निकाल लिया. सो नाउ सी कैप 2 इज कॉस्ट, ठीक है, टू डेस्टिनेशन फ्रॉम 2. Means we are visiting
टू फ्रॉम वन, इसका क्या वैल्यू आया हमारे पास 35. सी कैप थ्री कॉस टू डेस्टिनेशन फ्रॉम थ्री, विजिटिंग थ्री फ्रॉम वन क्या आया 40. सी कैप फोर कॉस टू डेस्टिनेशन फ्रॉम फोर, विजिटिंग फोर फ्रॉम वन क्या आया 40. लीस्ट कॉस्ट मेथड यूज कर रहे हैं. लीस्ट कॉस्ट इज सी कैप टू, दैट इज इन स्टेट स्पेस सर्च ट्री वी विल विजिट नोड टू. समझा? तो मैं इसको ऐसे देखता हूं, ये मेरा नोड वन है बेटा. ओके, यहां बनाता हूं. चलो, ये मेरा नोड वन है, करेक्ट. मेरे पास कितने ऑप्शन है? अच्छा, नोड से मेरे पास तीन चाइल्ड जा रहे हैं, टू थ्री एंड फोर, बराबर. ये है सी कैप टू, मतलब सेकेंड वर्टेक्स. इन आवर केस दिस सी कैप टू इज वर्टेक्स नंबर टू, इसका वैल्यू 35 था. सी कैप थ्री वर्टेक्स नंबर थ्री, वैल्यू 40 था. सी कैप फोर वर्टेक्स नंबर फोर, वैल्यू 40 था. यहाँ एक्स टू या एक्स वन क्या है? इस टूर का पहला नोड वन. अगर मैं टू पे जाऊंगा तो मैंने नोड टू सेलेक्ट किया, अगर मैं थ्री पे जाऊंगा नोड थ्री सेलेक्ट किया, फोर पे जाऊंगा तो नोड फोर सेलेक्ट किया. मैं कौन सा नोड सेलेक्ट करने वाला हूं? टू, बिकॉज इसका कॉस्ट सबसे कम है. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? हेलो. यस सर. प्लीज ये लिखिए बेटा, इतना लिखिए, फिर हम स्टेप थ्री में जाएंगे. प्लीज राइट. प्लीज राइट.
हो गया बेटा? हेलो सर, दैट वाज योर क्वेश्चन। नाउ अब हमको डिसीजन लेना है कि भाई हम टू पे जाएंगे। अब आगे का हमारा डिसीजन सी कैप टू से होगा। अब देखिए, नाउ स्टेप थ्री, नाउ स्टेप थ्री। स्टेप थ्री मतलब क्या बोलो, कहां से कहां जाएंगे हम? सी देखो जरा, नाउ ही विजिटेड फ्रॉम वर्टेक्स वन टू वर्टेक्स टू, नाउ एट वर्टेक्स टू। वर्टेक्स टू मतलब सी कैप टू। We have options. To visit vertex 3 or visit vertex 4. अगर एक बात बताऊं, यहां से अब मेरा रास्ता देखिए, ये मेरा रास्ता है रेड वाला। अब मैं यहां से बेटा, मेरे पास ऑप्शन क्या है? आई मे सेलेक्ट विच वर्टेक्स। माय थर्ड वर्टेक्स कैन बी, देखो वर्टेक्स नंबर वन इन माय रूट इज वन, वर्टेक्स नंबर टू इन माय रूट इज टू, माय थर्ड वर्टेक्स कैन बी थ्री। एक मिनट, गलत। ये सारे टू रहेंगे, सारे टू रहेंगे। सो सॉरी, ये सारे टू क्यों रहेंगे बेटा? विच वर्टेक्स विल बी माई वर्टेक्स नंबर टू? सो इट कैन बी वर्टेक्स नंबर टू, इट कैन बी वर्टेक्स नंबर थ्री, इट कैन बी वर्टेक्स नंबर फोर। सो एक्स टू इज टू, एक्स वन इज द फर्स्ट वर्टेक्स इन द टूर, एक्स टू विल बी द सेकेंड वर्टेक्स इन द टूर, इट कैन बी टू और थ्री और फोर। नाउ एक्स थ्री विल बी द थर्ड वर्टेक्स इन द टूर, इट कैन बी थ्री और एक्स थ्री कैन बी फोर। वन एंड टू आर ऑलरेडी विजिटेड। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो आई हैव टू फाइंड दैट। अच्छा, ये तो एक्स वन एक्स टू क्या है बेटा? द वर्टेक्स अलोंग द पाथ। बट ट्री का वर्टेक्स नोड देखिए, वन टू थ्री फोर, दिस विल बी नोड नंबर फाइव एंड दिस विल बी नोड नंबर सिक्स ऑफ द ट्री। तो मैं क्या लिखूंगा? So, अगर वर्टेक्स नंबर थ्री पे जा रहा हूं तो मेरे को कॉस्ट ऑफ वर्टेक्स नंबर फाइव निकालना पड़ेगा, और फोर पे जा रहा हूं तो वर्टेक्स नंबर सिक्स का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, नोड नंबर सिक्स। समझ में आया? तो अगर मैं सी कैप ऑफ फाइव निकाल रहा हूं, मतलब मैं कहां से कहां पे जा रहा हूं? फ्रॉम नोड नंबर टू टू नोड नंबर थ्री जा रहा हूं। एक्स टू इज टू, X3 is 3, so means I am going from node 2 to 3. So I is 2, J is 3. So in C cap 2, क्योंकि मैं 2 से 5 पे जा रहा हूँ, make ith row, ith is second row infinity, make jth column, column number 3, infinity, row number 2, column number 3, infinity. And now we are working on c cap 2, row number 2, 1 2 3 4, column number 3, and what j1, what is j3? 3 1 ko kya bol do? Infinity. 3, 1 is infinity. Now C cap 2 देखो, C cap 2 ये रहा। अब मेरे को जो भी changes करने हो C cap 2 में देखूंगा बेटा, इसके अंदर जो भी pending है वो भरूंगा मैं। तो C cap 2 को ध्यान से देखो जरा। See, ये time consuming है, exam में आए नहीं आए पता नहीं, मैं तो बोला आए तो भी attempt मत करो, लेकिन मेरा काम है बताना, सो आई हैव टू टीच। सी कैप टू में, सी कैप
टू में बताइए क्या है फाइनल, क्या है बेटा सी कैप टू का? इधर इधर क्या जीरो आएगा, इधर इंफिनिटी ही है, ये तो सारे इंफिनिटी थे बराबर, इधर क्या होगा इंफिनिटी वन इंफिनिटी, यस और नो? हेलो हेलो, समझा ये कहां से लिखा मैंने? यू हैव टू सी सी कैप टू, सी कैप टू में ये जो चेंजेस बोला है वो कर दो, बाकी सी कैप टू ही है वो। अब मेरा रो रिडक्शन कितने बेटा, जीरो जीरो वन जीरो, टोटल रो रिडक्शन वन, रो रिडक्शन वन के बाद मुझे क्या मिलेगा? We will have infinity, 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 zero, zero, infinity, infinity, infinity. Column reduction, zero, 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 zero. So total reduction, 1 plus 0 is 1. So R is 1. We in C cap 2. I am going from node number 2. So I want cost from 2 to 3. Cost from 2 to 3 in C cap 2. C cap 2 mein. Ye ra. C cap 2 mein 2, 3. 2, 3 is 3. तो C cap 5 क्या होगा? नोड नंबर 5 पे मैं नोड नंबर 2 से आ रहा हूं, देखो ये नोड नंबर 5 ट्री का नोड है, ये X3 मेरा टूर का सिटी है, तो 2 पे आ रहा हूं, तो C cap 2 प्लस कॉस्ट फ्रॉम 2 टू 3 प्लस R, ये कितना था 35, ये कितना है 3, ये कितना है 1, 39 इज द आंसर। सिमिलरली अगर मैं नोड नंबर 6 पे जा रहा हूं, सी कैप 6, अगेन गोइंग फ्रॉम 2 ओनली, नाउ सी कैप 6 एंट्री फ्रॉम नोड 2 टू 6, बट आई और जे क्या होंगे इसमें? आई और जे में मेरा सिटी नंबर 2, दिस इज सिटी नंबर 4, सो मेक इन सी कैप 2 make second row infinity, make fourth column infinity, then 4, 1 make 4, 1 infinity, तो क्या बचेगा अपने पास? second row infinity, 1, 2, 3, 4, fourth column infinity और 4, 1 infinity, तो अपने पास C cap 2 में फिर क्या बचेगा? C cap 2 देखना पड़ेगा, C cap 2 में फर्स्ट रो में पहला है इन्फिनिटी, तीसरा जीरो, इसमें तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी जीरो, ये इन्फिनिटी है, बाकी क्या है बेटा? ये तो इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी जीरो है, बराबर। हेलो, आर यू वेरीफाइंग दिस? सी कैप टू में देखो बेटा, मैंने जो चेंजेस बोले वो चेंज करने के बाद यही आ रहा है, हेलो। अरे तुम लोग लगते हैं साथ छोड़ दिए मेरा, हेलो, इज इट टू डिफिकल्ट अ प्रॉब्लम? ट्रस्ट मी, देर इज नो इजी वे आउट, दिस इज द ओनली थिंग, आफ्टर यू सॉल्व इट देन यू विल विजुअलाइज कि हमने किया क्या है इसमें।
मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है कि तुम बोल नहीं रहे हो? अरे भाई चलो ठीक है, अब इसमें मैं रो रिडक्शन करूंगा. आई नो इट इज लेंथी एंड दैट इज आई एग्री. 0000 कॉलम रिडक्शन, कॉलम में बेटा 0000 तो टोटल आर इज 0+0, 0. अच्छा मैं 2 से 4 को जा रहा हूँ. सो इन सी कैप 2, 2 से 4 का कॉस्ट क्या है? सी कैप 2, 2 से 4 इज 0, तो सी कैप 6. ट्री के नोड नंबर 6 में जाने के लिए सी कैप 2 विच इज 35, 2, 4 विच इज 0, आर विच इज 0. तो आंसर क्या है? 35 आया. इसका मतलब क्या? फ्रॉम नोड 2 एंट्री इफ आई सेलेक्ट वर्टेक्स 3 आई गो टू नोड 5 ऑफ ट्री. And now the cost will be 39. If I select vertex 4, I will go to node number 6 of tree. The cost is 35 only. So from node number 2, node number 2 in hamara vertex 2 bhi hai. So main vertex 3 pe jaunga ki bataiye kaun sa vertex pe jaunga. 4. 4 पे जाऊंगा. नोड 6 मतलब सेलेक्टिंग वर्टेक्स 4. तो वी विल विजिट वर्टेक्स 4 फ्रॉम वर्टेक्स 2. सो अब मेरा स्टेट स्पेसर देखिए. x1 इज माय वर्टेक्स नंबर. नोड ऑफ द ट्री इज 1. If I select my second vertex as 2, if my select my next as 3, if my select my next as 4, we will get node number 2, node number 3, node number 4. Here the cost was 35, here both 40, 40. So we selected this from here. So vertex number 1 is done, vertex number 2 is done. I may select vertex 3 or I may select vertex 4. Vertex 3 selecting will give me node number 5, cost is 39, node number 6, cost is 35. We will select this. So iska matlab 1 se 2, 2 se 4 pe aa gaye. Now you are at vertex 4. Only option is vertex number 3. To ek hi nikalna hai. Now vertex number 3. मतलब अगर मैं यहां से x4 इक्वल टू वर्टेक्स नंबर 3 बोलूंगा तो वी विल गेट 7th नोड ऑफ द ट्री. सो नाउ वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 7th नोड. कॉस्ट ऑफ द 7th नोड मतलब क्या? फ्रॉम सी कैप 6 ना. यस सर. तो फ्रॉम सी कैप वर्टेक्स, इसका मतलब I कौन है, J कौन है? I 4 है, J 3 है, because I'm going from 4 to 3. Yes? Yes. So, fourth row in C cap 6, fourth row को infinity बोलो बेटा. थर्ड कॉलम को इन्फिनिटी बोलो. 4, 1 को इन्फिनिटी बोलो. सॉरी 3, 1 जे कॉमा 1 ना. सॉरी थ्री कॉमा 1 को इन्फिनिटी बोलो. तो क्या बोलता है बेटा? फोर्थ रो 1, 2, 3, 4. थर्ड कॉलम 1, 2, 3, 4. 3, 1. अब बचेगा क्या? इन्फिनिटी. सभी इन्फिनिटी आ जाएंगे.
Yes. So now yes, sir. Total row reduction is zero. Column reduction is zero. So total R is 0 plus 0, 0. Now in CCAP 6, 4 से 3 का वैल्यू कितना है CCAP 6 में? यस, 4 से 3 का वैल्यू क्या है? हाँ, यहाँ पे कोई रिडक्शन हुआ नहीं ना बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट. So, in CCAP 6, but there was no reduction from this. CCAP 6 का कॉस्ट कितना आया बताइए, एक मिनट. 35 था पहले, देखिए CCAP 7 क्या आएगा. CCAP 7 will be CCAP 6 plus cost from 4 to 3 plus R. CCAP 6 35 था. अगर आप CCAP 6 35 देखेंगे तो एक बात नोटिस करेंगे कि 6 पे हम 2 से आए थे, बराबर 6 पे हम 2 से आए थे और 2 पे हम 1 से आए थे तो भी 35 ही कॉस्ट था. यानी 4 से 3 हम जो देखेंगे ना वो हम कहाँ ढूंढेंगे, वो हम CCAP 2 में ढूंढेंगे. In CCAP 2, CCAP 2 में 4, 3, 4, CCAP 2 में 4, 3, 0, answer is 35 only. So, इसका मतलब क्या है? अब देखो, अब मेरा क्या बनता है, देखो रास्ता. Node number 1 of the tree and when my vertex is vertex number 1, if my next to vertex number 2 is 2, I will go to node number 2. If my next vertex is vertex number 3, I will go to node number 3. If my next vertex is vertex number 4, so I will go to node number 4. Here money spent is 35, 40 and 40. I decided to go with this approach. Now from here, I may go to my third vertex will be vertex number 3. Or my third vertex will be vertex number 4. If my third vertex is vertex number 3, will generate node 5 of the tree. If my third vertex is vertex number 4, will generate node 6. Here the cost was 39, here the cost was 35. I go ahead with this. So now there is only one way out for me. Node number 7 and my fourth vertex is vertex number 3. And the money spent is 35. So what is my path? From X1, vertex number 1, I move to 2. From 2, I move to 4. From 4, I move to 3. And again, it is a tour. So from 3 back to 1. So this is what the answer is. Ye mera path. Aur ye dekhenge. Ye mera kya ban raha hai, beta? Ye mera state space tree ban raha hai. Main vertex number 1 pe hoon. To mere tour ka first vertex is 1. टूर का सेकेंड वर्टेक्स कैन बी 2, कैन बी 3, कैन बी 4. मैंने लीस्ट कॉस्ट निकाला, मेरा आंसर आया 35. तो मैंने टूर का नेक्स्ट कॉस्ट 2 देखा. अब मैं 2 पे हूं तो मेरे 2 से नेक्स्ट कॉस्ट या तो 3 या तो 4 होगा. मैंने लीस्ट कॉस्ट निकाला, लीस्ट कॉस्ट क्या आया मेरे को, लीस्ट कॉस्ट आया नहीं, 2 से 4 पे जाओ 35 रुपीज में पहुंच रहे हो. ओके, अब मैं 4 पे आ गया, 4 से मेरे पास एक ही रास्ता बचा, कौन सा, 3. So this is my answer. So CCAP 7 is 35 and that is my answer. Sir. हाँ बोलो बेटा. Sir वो 4,3 को 2 में क्यों ढूंढना है वो फिर से बताइए ना ऊपर. 4 को 2 में क्यों ढूंढना, आप इधर ही देखो ना बेटा. आप ये देखो, पहले ये सब छोड़ दो. आप 1 से 2 का कॉस्ट देखो क्या है,
बेटा आप ऐसे मत देखो, जो मैंने आपको कॉस्ट मैट्रिक्स दिया ना पहला, उसमें पहले अपने पाथ के हिसाब से जाओ। वन से टू जाना है, वन से टू का कितना खर्चा है? 10 रुपीज। अरे ओरिजिनल में देखो, ये तो आंसर आ गया। पहले ओरिजिनल में देखो, वन से टू का कितना पैसा है? 10 रुपए। टू से फोर का कितना पैसा है? 10 रुपए। यस। फोर से थ्री का कितना पैसा है? 9 रुपए। हाँ। थ्री से वन का कितना पैसा है? 10। थ्री से वन, अरे ओरिजिनल में देखो 6 रुपीज। 3 1 is 6, 35। यस सर, यस। ऐसा निकला है वो कॉस्ट। इसके पीछे का सुनो, इसके पीछे का रहस्य मैं बताऊंगा आपको। सॉल्व करने का टेक्निक समझा कि नहीं समझा? पीछे के रहस्य के लिए ना बेटा हमको थोड़ा सा और फिलोसफी बात करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि इन्फिनिटी करो। बराबर है, देयर शुड बी अ रीजन ना, क्यों आयत और जेत कॉलम को इन्फिनिटी करने का, क्यों जे वन को इन्फिनिटी करने का। आई नो देयर हैज टू बी अ रीजन एंड विल गिव यू द रीजन। आज का मेरा पर्पज था, दिस वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, यू शुड अंडरस्टैंड जस्ट द स्टेप टू सॉल्व, दैट्स इट। ये समझा क्या? सॉल्व कैसे करना है? सिर्फ आपको लास्ट में ये नहीं समझा कि मैं वो सी कैप टू में कैसे क्यों देखूं, वो मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। बट ये समझा क्या, स्टेप समझा क्या? सर स्टेप समझा सर। ठीक है, चलेगा। आपका 1:15 बजे दूसरा सेशन है आज सर। हाँ बोल बे सर, अभी हम लोग का दूसरा लेक्चर है सर। हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी आपका दूसरा सेशन है तो मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। आपका 1:15 का दूसरा सेशन है तो मैं अभी ये वाला सेशन यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। हम वेडनेसडे अगर कल टाइम मिला तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, नहीं तो थर्सडे तो अपना शेड्यूल है ही है। ठीक है,